नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर की। यहाँ सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बात करेंगे दिल्ली की, यहाँ आग ने मचाया तांडव। बताएंगे कैसे मथुरा में पुलिस कस्टडी से फरार बदमाश को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने किया ढेर। तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां कस्बा गुलावटी के सैदपुर रोड पर सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक विजयनगर जनपद गाजियाबाद निवासी मनोज किरोला अपने साथी आकाश निवासी विजयनगर गाजियाबाद के साथ स्कूटी पर सवार होकर गुलावटी क्षेत्र के गांव असावर में दवाई लेने जा रहे थे। तब वो कस्बा गुलावटी के सैदपुर रोड पर गांधीगंज के निकट पहुंचे तो सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे उनकी स्कूटी ट्रॉली के नीचे आ गई, जिसमें मनोज किरोला पुत्र महिपाल सिंह की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि आकाश घटना में बाल बाल बच गया। मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर दिल्ली से है, जहाँ कश्मीरी गेट मेट्रो थाने में भीषण आग लग गई। एक दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड वहां पहुंची। दिल्ली में गाड़ी में आग बुझाने वाली गाड़ियों को वहीं मौत। खबर दिल्ली से है, जहां कश्मीरी गेट मेट्रो थाने में अचानक से भीषण आग लग गई, जिसके बाद एक दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड्स को वहां पर पहुंचाया गया। मौके पर 12 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद रहीं। 2 घंटे की मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पाया जा सका। दिल्ली से सीनियर संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से है, जो उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गांव हरनाथपुर कोटा में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां बकरे पर अल्लाह मोहब्बत और चांद लिखा हुआ देख गांव के ही नहीं बल्कि बाहर के लोगों का भी तांता लग गया। बता दें कि मोहित कुमार जो उस गांव के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि उनके दादाजी बकरियों को पाला करते थे, तो उन्हें भी ये सब देखकर बकरी पालने का शौक लग गया। उन्होंने बकरी ली जिसमें एक बकरा भी था, जिसकी पीठ पर और सिर पर अल्लाह और मोहम्मद और चांद लिखा हुआ है। उसको मौलवियों और उर्दू पढ़ने वाले लोगों को भी दिखाया गया, जिन्होंने सही बताया। तभी से लोगों का बकरे को देखने के लिए तांता लग गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, अभी अब बकरा देखा आपने, क्या लिख रहा है इस पर, क्या लग रहा है इसमें? अल्लाह लिख रहा है। लिख रहा है? क्या नाम है? मेरा नाम जी मोहित कुमार है जी। मोहित जी कहाँ के रहने वाले हैं? हरनाथपुर कोटा के जी। अच्छा, अभी बकरा पालन वो करते हैं आप? हाँ जी। तो इसमें क्या आपको बकरे में क्या लगा? मुझे जी जब से ये मिला है मुझे बहुत सा लाभ भी हुआ है इससे, पहले से अच्छा हूँ मैं इससे। यानी के क्या लिख रहा है इस पर? इस पर जी अल्लाह मोहम्मद और चांद है जी, इस पर इन पर 3 चीज है जी इस पर। अच्छा, तो आपके लिए कैसा रहा है? मेरे लिए तो जी बहुत अच्छा है। जब तक मेरे पास है, जब तक भी सेवा होएगी इसकी, तब तक मैं करूँगा, ये है जी। तो आपको कैसे ये बकरा पालन का कैसे शौक लगा? मेरे जी मामा नाना काम करते थे जी इस काम को जी, मुझे वहीं से शौक पला हुआ है, पड़ा हुआ है जी, और मैं वहीं पर पला हुआ हूँ जी। हाँ जी, मेरी जो शादी करी है वो मामा नाना ने करी है, और मैं तो यहाँ आकर अपने मामा पापा के पास मैं रहने लगा हूँ यहाँ पर। तो आपको कैसे पता चला कि इस पर अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है? मेरे थोड़े जी मेरे दादा उर्दू पढ़े हुए थे जी पहले जी के जी, कुछ मैंने मेरे दादा की आज भी किताब मौजूद हैं जो वे पढ़ते थे, मैंने कुछ उन्होंने अक्सर मिलाए कुछ। जब मुझे पता चला था इस पर, मैं गूगल में जाकर घुसा कि अल्लाह मोहम्मद कैसे लिखा जाता है, वो कैसे लिखा है, मैं कुरान शरीफ में मैं पढ़ गया था, तो मैंने उससे दहेज किया है। जहाँ मैंने मौलानाओं को जो भी कोई रास्ते बीच में कहीं भी मुझे मिला है, गाँव में भी आते रहते हैं बहुत से, उनसे भी मैंने दिखलाया है, सब ने क्लियर ही बताया है अल्लाह मोहम्मद और चांद बना हुआ है। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर ज्वालना से, जहाँ कुछ दिन पहले ज्वालना शहर के शास्त्री मोहल्ले में हल्दी कार्यक्रम के दौरान वेंकटेश गायकवाड़ नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी। डीजे पर डांस करते समय झगड़ा हो गया था और एक की हत्या हो गई थी। इस मामले में आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया था। इसके बाद कदीम ज्वालना पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि मातंग समुदाय के नागरिकों के घरों पर अज्ञात व्यक्तियों ने हमला किया और तोड़फोड़ की और सामान नष्ट कर दिया है। इससे पहले सफल मातंग समाज के नागरिकों ने पुलिस अधीक्षक अजय कुमार बंसल से चर्चा कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की। चेतावनी दी कि अगर घरों की तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई
तो फिर आने वाले समय में मातंग समाज की ओर से बड़ा विरोध और प्रदर्शन किया जाएगा। जी सर, मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेवा भावी स्वच्छता संस्थापक अध्यक्ष रतन आसम लांडगे। आज आम्ही सकल मातंग समाज जालना जिल्हा याच्या वतीनं आज सगळे मातंग समाजाचे नेते व पुढारी आम्ही सगळे एक खटा जमा झालो आहे। माझ्या घरी मीटिंग घेतली आहे मी, आणि मीटिंगमध्ये आम्ही अशी एक नियोजन एक बैठक ठरवली की आज 26 तारखेला शास्त्री मोहल्ल्यामध्ये व्यंकटेश या नावाचा मुलाचा खून झालेला आहे। त्यामध्ये मातंग समाजाचे 7 किंवा 8 आरोपींनी त्यांचा खून केला आहे आणि ते खून करून त्या मुलाला गुन्हा दाखल झाला आहे आणि ते DJ कारणावरून त्यांचं भांडणं झाले असं त्यांनी लेखी स्वरूप दिलेलं आहे, मीडियावर आलेलं आहे। पण ते खून झाला तर ते मोरुंडी महिल्यामध्ये जे तांबे नावाचे व्यक्ती लोक गरीब लोक राहते त्यांचं घर अचानक फोडण्यामध्ये आलेलं आहे। महाराष्ट्र के जालना से सीनियर संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। खबर मथुरा से, जहां बता दें कि महावन पुलिस, शेरगढ़ पुलिस और SOG टीम की संयुक्त कार्यवाही में 31 तारीख को 25,000 रुपए का इनाम बदमाश मनोज उर्फ पुत्र चंद्रभान निवासी मई थाना शेरगढ़ जिला मथुरा लूट बलात्कार के अभियोग में वांछित को मुठभेड़ के दौरान लूटे हुए सामान, एक अवैध तमंचा, कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल सहित जगदीशपुर अंडरपास यमुना एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार किया गया था, जिसके पैर में पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल मथुरा में भर्ती कराया गया था। अपराधी मनोज पुलिस की आंख में धूल झोंककर जिला अस्पताल से फरार हो गया था, जिसे आज मुठभेड़ में पुलिस ने मार गिराया। कल जिला अस्पताल से फरार अपराधी जिसका नाम मनोज उर्फ उत्तम है, जो थाना शेरगढ़ क्षेत्र का रहने वाला है और इस पे 50,000 का इनाम था, इसकी आज थाना शेरगढ़ और SOG टीम के साथ शेरगढ़ थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में ये घायल हुआ और इलाज के लिए इसे CSC ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा इसे मृत घोषित किया गया। ये बड़ा ही शातिर अपराधी है और अभी कुछ दिन पहले थाना महावन क्षेत्र में इसने एक वृद्ध महिला के साथ बलात्कार की घटना कारित की थी, तब उनके साथ लूटपाट की घटना कारित की थी। अज्ञात में ये अभियोग पंजीकृत था, लिफ्ट देने के बहाने उस महिला को अपने मोटरसाइकिल में बनाया था और दूर खेत में ले जाकर उनके साथ बलात्कार किया था। इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो 2015 में भी थाना शेरगढ़ क्षेत्र में तमंचे के बल पर एक महिला के साथ बलात्कार किया था तथा कई ऐसी घटनाएं स्थानीय लोगों का कहना है कि जो अनरिपोर्टेड रही थी, जिसमें शर्म और लिहाज के चलते लोगों ने अभियोग नहीं पंजीकृत कराया था। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि इसके खिलाफ वृंदावन क्षेत्र में भी लूट का अभियोग पूर्व में पंजीकृत था, जिसमें ये जेल गया था। अत्यंत ही शातिर किस्म का अपराधी था और कल जब ये फरार हुआ तो इसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई थी और 24 घंटे के अंदर में ये 50,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में मारा गया है। मथुरा से सीनियर संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।